आप देख रहे हैं ब्रजभूमि न्यूज, ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम ब्रजभूमि न्यूज। सर्वतः प्राक वंदनानि विराजमानेभ्यः रमण बिहारी पादेभ्यः भूयांसि च नमांसि पूज्य चरणेभ्यः श्री गुरु कार्ष्णी पादेभ्यः समयाभावो वर्तते अतः तात्स्थ्य मर्यादाम अनुसृत्य नमो मंचाय। आप सभी भगवत भक्तों को प्रणाम करते हुए कुछ क्षणवाणी पवित्र कर लेता हूँ। सदगुरु की महिमा भी आप श्रवण कर ही रहे थे। ये व्रज भूमि है, यहाँ की सदगुरु आचार्य ब्रज की गोपी जन हैं और ब्रज के रस में ब्रज गोपियों की जो भावना है वह तो गोपनीय भावना है। और इस गुप्त रस में, क्योंकि रस का स्वभाव है गुप्तो ही रसः रसत्वम् आपद्यते प्रकटस्तु रसाभासः, यहां ऐसे ऐसे भगवत भक्त रसिक निवास कर रहे हैं जिनको बाह्य किन्हीं धर्मों से भी पहचाना नहीं जा सकता है। यद्यपि हमारे यहाँ वेश की बड़ी महिमा है और उसका अपना गौरव अक्षुण्ण है, लेकिन कुछ रस में ऐसे डूबे हैं कि भगवत साधना का क्रम भी कभी कभी विस्मृत कर जाते हैं। क्वचित पूजाम विसस्मार स्नेह प्रसर संप्लुतः, और यहाँ के मुख्य रस के बारे में कहा गया है कि कुछ ऐसे भगवदीय हैं जो बाह्य चिन्हों को धारण करना भी भूल जाते हैं। लिखन्ति भुजमूलतो न खलु शङ्खचक्रादिकम् विचित्रहरिमन्दिरं न रचयन्ति भालस्थले, केचन एतादृशाः वर्तन्ते। ये खलु भगवत संपूजायां भगवत सेवायां चिन्हानि विस्मृतवन्तः, प्रेम रस में ऐसे भर गए कि कहां तिलक लगाना है, कहां मुद्रा धारण करनी है, कहां वस्त्र ओढ़ना है, कहां स्कंध पर उत्तरीय धारण करना है, ये भी रस के उन्माद में भूल जाते हैं। इसीलिए विचित्र हरिमंदिरम तिलकम नरचयन्ति भालस्थले, उनको ऐसा विस्मरण हुआ जैसे परम ज्ञानी उद्धव जी यहाँ आके सब कुछ ही भूल जाते हैं। और ये ऐसा प्रसाद है कि यहाँ वेश का चिन्ह का, जैसे हमारे ज्ञानियों में मैं मुक्त हूँ यह भी एक अभिमान ही माना जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं बद्धो मुक्तः इति व्याख्या गुणतः मे न वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बंधनम्। जैसे मैं बद्ध हूँ यह एक भ्रम है, वैसे ही मैं मुक्त हूँ, ये जो संबित है मुक्त होने की, इसमें ये वाक्य का स्मरण नहीं रहता है कि हम मुक्त हैं, क्योंकि अखंडम ब्रह्मवत सर्वम, उसमें सिवाय ब्रह्म के किसी दूसरे की सत्ता नहीं रहती। तो यहाँ की परम गुरु जो प्रेमाचार्य श्रीमद गोपीजन हैं, इनके बारे में जब उद्धव जी प्राप्त करते हैं उस संदेश को, इनकी प्रेम दशा को, तब तो महाराज वस्तुतः है मुक्त लोगों को बड़ा आदर दिया गया है, पर भागवत शास्त्र की मान्यता दूसरी है। और अब तो समय की ऐसी महिमा है कि भागवत शास्त्र के वे श्लोक प्रायः कथा में श्रवण करने को नहीं मिलते हैं। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं प्रायेण देव मुनयस्व विमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नैतान विहार
विधाय कृपणान् विमुमुक्षये को नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतो नुपश्ये। प्रायोवाद का ग्रहण है, इसलिए श्री सुखदेव आदि जो परमहंस चर्या में चतुर महापुरुष हैं वो इससे अलग आते हैं। ज्यादातर अपनी मुक्ति की कामना करने वाले लोग परार्थनिष्ठ नहीं होते हैं। परार्थनिष्ठ का मतलब प्रत्येक दूसरों का उपकार करना तो होता ही है, महात्मा लोग तो सबका उपकार करने के लिए विचरण करते हैं। गंगा अधिकन पवित्र करण अवनी में डोलत, ऐसे सुखदेव जी आदि महापुरुषों का यह शास्त्र है। दूसरी बात यह है कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सा। सबसे परे जो ब्रह्म है, तदर्थ जिनकी निष्ठा है, केवल ब्रह्म में निष्ठा हो ऐसे ज्ञानी का दर्शन होना तो अब बड़ा ही दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए भगवान के अलावा दूसरी शरण दूसरे किसी प्राणी को नहीं है। ऐसी ब्रज गोपी जन जो यहाँ की परम आचार्या हैं, इनके प्रेम का दर्शन करके ये भूमि ऐसी है जहाँ सबका विस्मरण हो जाता है और मैं मुक्त हूँ यह अभिमान भी नष्ट ही हो जाता है। सो बात पूरी करूँ इसके पहले उद्धव जी के विचार निवेदन कर देता हूँ कि ब्रज गोपी की जो प्रसाद वे प्राप्त कर रही हैं वह बड़ा दुर्लभ है। नायं श्रियोंग उन्नितांतरते प्रसादम स्वरयोषिताम नलिनगंधरुचाम कुतोन्या रासोत्सवेस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा शिशाम य उदगात ब्रज वल्लवीनाम। यह जो सबसे बड़ा गुण है यहाँ की आचार्याओं में कि भगवान का रासोत्सव प्राप्त कर रही हैं और भगवान का संस्पर्श प्राप्त कर रही हैं। नवई जनो जातु कथंचना ब्रजेद मुकुंद सेव्यन्य वदंग संस्रतिम स्मरन मुकुंदांघ्रियुपगुहनम पुनर्विहातुमिच्छेत न रसग्रहो यतः। जिनको रसग्रह हो गया है, भगवान का संस्पर्श प्राप्त हो गया है, बाकी तो गुण की चर्चा शास्त्र में दर्शन के धरातल पे तो बड़ी गंभीर है। यहाँ तो अब जो यहाँ महापुरुष विराजमान हैं वे सब उसको जानते ही हैं। इसलिए गुण पदार्थ बड़ा दुर्लभ है, लेकिन सबसे बड़ा गुण ये है ब्रज भक्तों में तो के भगवान का संस्पर्श प्राप्त करके सबको विस्मृत कर गई हैं। अतः ऐसी यह ब्रज की रज है जिसमें हम और आप सब बैठे हैं। पूज्यपाद महाराज श्री की अनंत करुणा से हम सबको सत्संग मिलता है, महापुरुषों का दर्शन प्राप्त होता है। सो इसी में जीवन की धन्यता है, सबको ये भगवान का सन्निधान और ऐसी ब्रजरज की अनुभूति सदा सर्वदा होती रहे, इस कामना के साथ सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत ही सुंदर अभी हमारे श्रद्धे श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ब्रजरज की महिमा, ब्रज की महिमा, ब्रज के भक्तों की महिमा बहुत ही सुंदर। ब्रजरज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए, बहुत ही सुंदर वर्णन किया, हमको सबको शिक्षा दी। धन्य धन्य ब्रज भूमि के तूने चरण चिन्ह यहाँ डाले, भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले। मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी, मेरो मन कान्हा को दास, आत्मा राधे की दासी। ब्रज की बोली मिठलौनी जी, ब्रज की बोली मिठलौनी, और ब्रज भूमि सी भूमि जगत में और नहीं होनी। तो ये जो ब्रज भूमि है इसकी अगर आप लीलाएं देखना चाहते हो देखते रहिए ब्रज भूमि न्यूज। मुक्ति कहे गोपाल सोंप मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। चारों धामों से निराला ब्रज धाम और उसकी विरासत, संस्कृति, खान पान, रहन सहन का जीवंत माध्यम ब्रज भूमि न्यूज यूट्यूब पर, जहां नित्य ठाकुर दर्शन, संत महंतों के आशीष वचन, भावपूर्ण भजन, ठाकुर रासलीला के नित्य दर्शन, आध्यात्म पर चर्चा
और आपकी जिज्ञासा के उत्तर, साथ ही मुख्य मुख्य आयोजनों का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप जुड़ें ब्रजभूमि न्यूज से और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आनंद लें ब्रजभूमि न्यूज का।